वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भुर्ता। इसके लिए हमें जिस आइटम्स की ज़रूरत होगी वो ये है। हमने जो है एक बैंगन बड़े साइज़ का लिया, इस साइज़ का। इसको मैंने बॉईल किया, पील किया और इसके बाद इसको जो मैश करके रख दिया, ये बॉल में रखा हुआ है। एनी कोई कुकिंग ऑयल जो मुझे ओनली 3 स्पून या टेबल स्पून चाहिए होंगे। 1 चॉप टोमेटो, इसमें 2 टोमेटो हैं, एक मैं अदर डिश के लिए सेव करके रख दूँगी। 2 चॉप टोमेटो हैं, फिर इसमें 1 डालूँगी। 1 लेमन है कटा हुआ, इसमें एप्पल साइडर विनेगर है और इसमें जो है मेरे पास खड़ा मसाला है जो कि भगार के लिए मुझे चाहिए होगा, जिसमें ज़ीरा है, बे लीव्स हैं, सिनेमन है, काड़ी इलायची बड़ी छोटी है, 1 बड़ी इलायची है, 4 छोटी इलायची हैं, 2 लौंग्स हैं, फ्यू थोड़ी सी जो है काली मिर्च है, 4-6 डाल दूँगी, और पिंच ऑफ में कलौंजी डालूँगी और 4 से 5 दाने मेथी दाने डालूँगी। ये बघार में यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा रखा हुआ है गार्निश के लिए, और चॉप गार्लिक है ये यहाँ पर, फाइनली चॉप जो मेरी अदरक है, और ये पेपर दें कलरफुल पेपर है 3 किस्म की, और एक जो है ये एनाहाइम पेपर है ग्रीन कलर की, और ये 1 छोटी सी गाजर जो मैंने इसको काट के रखी है, 1/2 कैरी जो उसको भी काट के रखा हुआ है। यहाँ पर जो है मेरे पास मसाला है, जिसमें सॉल्ट है, जिसमें ज़ीरा है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, क्रश मिर्ची है एंड रेड पेपर है। दिस ऑल थिंग्स हमें चाहिए। अब हम जो है पकाने के लिए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाँ चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है और इसको पैन को भी थोड़ा सा गर्म करने के लिए रख दिया है। अब जो है मैं 1 टेबल कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं, मेरे पास इस वक्त सेसमी ऑयल है। मैं इसको जो है 1 स्पून खाली डालूँगी अभी, दूसरा 2 स्पून बाद में डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जस्ट 1 स्पून ये चला गया। इसको मैं ज़रा सा फैला देती हूँ इस ऑयल को। अब इसमें जो है हम गार्लिक, क्रश गार्लिक जो 1 स्पून में डाल रही हूँ, क्रश गार्लिक, इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो है मैं 2 बे लीफ, ये क्या कहते हैं, 2 बे लीफ मैंने डाल दिए। 1 छोटा सा टुकड़ा जो है मैंने सिनेमन का डाल दिया। इसमें बड़ी इलायची, इसको मैं छिटके फेंक दी और ये डाल दी। इसमें जो है चार पीसेस जो है ब्लैक पेपर के डाल दिए। 2 जो है मैंने ये इलायची डाल दी, और जो है 1 स्पून में टीस्पून में ज़ीरा भी डाल दूँगी इसके अंदर। इसमें लाल मानी नहीं, और जो है 4 से 6 दाने आप देख सकते हैं, 5 दाने खाली मैंने मेथी के डाले हुए हैं। और इसमें जो है 1 स्पून में ज़रा सा ये रेड हो जाता है तो मैं इसमें थाइम डाल दूँगी, बस। तो रेड हो जाए तो फिर हम इसमें अपना ये बैंगन जो है भुर्ता जो मैंने इसको बॉयल करके और इसको जो है मैश करके रखा हुआ है, जो आपको बताया था ना ये बैंगन, इस साइज़ का बैंगन मेरे पास था जिसको मैंने बॉयल करके और मैश करके रखा है ताकि काम जल्दी हो जाए। तो ज़्यादा हमें रेड नहीं करना, उसमें अपना बैंगन डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है हम इसमें ये देखेंगे, मैं हाँ 1 चॉप टोमेटो जो है पहले डलेगा, मैं आपको बताना, 1 चॉप टोमेटो 1/2 टोमेटो में डालूँगी। इसमें 2 टोमेटो में था, 1 इसमें चला जाएगा, ये चला गया। इसी के पानी से हमें मुश्किल से 1/2 कप पानी की ज़रूरत होगी, बाकी तो हम इसी के पानी से कम काम बन जाएगा। और अब जो है ना इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये पक रहा है, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ, और ना टी स्पून ये मेरा टी स्पून ऑलरेडी रखा हुआ है, 1 टी स्पून मेरा इसमें सॉल्ट चला गया। अब इसमें लाइन देंगी और इसमें जो है 1 टी स्पून में टर्मरिक पाउडर डाल देंगे, नॉट भर के बस थोड़ा सा कम एक से, और 1 टी स्पून जो है मैं ये क्रश में पेपर डालूँगी, जो आप देख सकते हैं ये इसमें डाल देंगे। इसमें डाल
टीस्पून ये मेरा धनिया पाउडर पिसा हुआ, आप देख सकते हैं धनिया पाउडर मोटा मोटा सा कुटा हुआ है, ये धनिया पाउडर। 1 टीस्पून जीरा मेरा भुना हुआ पिसा हुआ मैंने रखा हुआ है, इसमें लाल रखा हुआ है, ये सब मसाले चले गए। अब इसको हम ज़रा सा मिक्स कर देंगे। इसमें 1/2 कप हम वाटर डालेंगे ताकि ये ज़रा मसाला हमारा इसमें पक जाए जल्दी से। इसके बाद जो है हम इसमें ज़रा से पक जाएगा ना, आई थिंक 5 मिनट्स लगेंगे पक जाएगा, तो हम जो इसमें योगर्ट डाल देंगे। ज़रा से मैं इसको कवर कर देती हूँ, उसमें पहले मैं ये अपना बैंगन डालूँगी एग प्लांट, उसके बाद जो है हमें इस पैन को 2 टाइम्स यूज, 2 टाइम्स पैन को यूज़ करना पड़ेगा। ये पक जाएगा तो हम जो अपने बैंगन के सेटिंग की तैयारी करेंगे, दूसरी तरफ हम इसको भगा के लिए तैयारी करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख सकते हैं देखिए 3 मिनट्स हो गए, टमाटर ज़रा सा सॉफ्ट हो गए, तो अब बिस्मिल्लाह रहमान करके मैं अपना इसमें ये बैंगन डाल रही हूँ जो मैश करके रखा था, ये इसमें सारा चला गया। इसको हम जल्दी चलाएंगे ताकि ये जल्दी से पक जाए, क्योंकि ये बना हुआ तो है ही, बॉयल किया हुआ है, इसको हमने मैश करके रख दिया है, इस मसाले मिलाने थे। ये जो है हो गया, अब इसके बाद जो है हमको अपने नेक्स्ट स्टेप करना होगा। ये बस पक जाता है, इसको फौरन ड्राई हो जाए। अब मैं जो ये हो जाता है तो मैं चूल्हे को ऑफ कर देती हूँ, एक ज़रा सा और हो जाए, बस मैं इसको चूल्हे को ऑफ कर रही हूँ और फिर जो है मैं आपको बताती हूँ कि मैं बघार दूँगी, इसको बंद कर रही हूँ। अब हमने जो है अपना बैंगन जो रेडी हो गया था ना, तो वो मैंने इसको डिश में डाल दिया है। अब दूसरे वापस इस पैन में मैं 2 स्पून जो है ऑयल डालूँगी, कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये 2 स्पून चला गया, ठीक है। इसमें जो है हमें थोड़ी सी चीज़ें जाएंगी, सबसे पहले तो हमारा जाएगा ये गार्लिक 1 स्पून, 1 टीस्पून में डाल दूंगी गार्लिक, क्रश किया हुआ गार्लिक है। इसमें लाल मसाले रहेंगे, ये फाइनली चॉप जो है मेरे पास जिंजर भी है, वो भी मैं 1 स्पून डाल दूंगी, बाकी जो ऊपर छिड़कूंगी। गार्लिक और जिंजर जो है बहुत अच्छा लगता है चीज़, और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा होता है। पानी मैंने भर के डाल दिया, अब जो है ज़रा सा इसको पकने देती हूँ। मैं ज़ीरा भी डाल देती हूँ, ज़ीरा तो हमेशा से उसकी जान होता है। 1 चम्मच थाइन, यह थाइन है। अब 1 चम्मच टीस्पून जो है ज़ीरा गया, जो है ज़रा सी सिनेमन की टुकड़ी है फिर से डाल देती हूँ ताकि अच्छी खुशबू आ जाए। और थाइम जो पहले मैंने 1 टीस्पून डाला था, अब फिर मैं 1/2 टीस्पून जो है थाइम डाल देती हूँ, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, अच्छी हर्ब है, मैं इसको डाल देती हूँ। थाइम भी चला गया, अब जो इसको ज़रा सा मैं दाल चने के लिए रख रही हूँ। इधर मैं अपनी डिश को जो है डिश आउट कर रही हूँ, तो इसमें ऊपर चीज़ें अच्छी छिड़कूँगी मैं। इसमें जो है ऊपर ये बैंगन का जो भुरका रेडी हुआ है, इसमें 5 स्पून जो है मैं योगर्ट डाल रही हूँ। इधर इसको फ्राई कर देंगे रखा है, इसमें लाए रख मैंने 1, 2, 3 देखें झटपट बन रही है, 3, 4, 5 स्पून जो है मैंने दही भर के डाला है, ठीक है। इसको ज़रा सा हम फैला देंगे इसके अंदर, फिर हमारे ये बघार तैयार हो गया है। अभी वजह ज़्यादा रेड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीज़ पकी हुई है, ये खुशबू के लिए हो। और ये हो गया, अब इसमें जो है मैं ये सारी चीज़ें गार्निश के लिए डाल रही हूँ। सबसे पहले मैं डालती हूँ थोड़ी सी कैरी, कटी फाइनली चॉप कैरी है, जो तो मैं इसमें ऊपर डाल रही हूँ।
ये कैरी चली गई, ये 1/4 बड़ी कैरी थी, इसको मेरे इसका हिस्सा मैं 1/4 डालूंगी, दूसरा मैं सेव करूंगी कि मैं अभी अनदर डिश बनाऊंगी। ये मैं पेपर, ग्रीन पेपर है, इसको फाइनली चॉप किया हुआ हालोफिनियो ने, ये बल्कि से एना है पेपर है, आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही थी। ये कलर पेपर भी मेरी है, ये हो गया, मैं इसको चूल्हे को बंद कर रही हूँ। बस ये मेरी पेपर सारी चली गई। 3 किस्म की कलर पेपर है, रेड, ऑरेंज, येलो। पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूट नहीं है, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो कोई बात नहीं, ग्रीन खाली डाल दें वो भी चलेगा काम। सब्ज़ी तो वैसे भी अच्छी होती है ना खाने में, तो मैं तो सब्ज़ी इस बहाने भी डाल देती हूँ ज़्यादा, जिससे खा लेते हैं। और मैं ये गाजर, एक कटी हुई गाजर है, बस इसको गाजर को ऊपर छिड़क दिया, अब देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और ऊपर से मैं ये धनिया डाल रही हूँ, ये भी पिसा धुला हुआ कटा हुआ है धनिया, 1/4 कप है इसको मैं, इसमें 1/4 इनफ हो जाता है इसके लिए। ऊपर से मैं ये बघार जो हमने किया है, बिल्कुल जला हुआ नहीं है लेकिन कच्चा भी नहीं है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ बुरा हर। ये इसको किया, अब मुझे जो मेरा लास्ट जो मेरा फेवरेट है एप्पल साइडर विनेगर, 1.5 टीस्पून डालूंगी मैं। एप्पल साइडर विनेगर इसलिए डालती हूँ कि हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा होता है, मेरे हर खाने में मोस्टली आपको मिलेगा एप्पल साइडर विनेगर 1.5 स्पून, क्योंकि ये वेट को भी कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। और तीसरी बात ये है कि मैं इसमें जो है अब लेमन को स्क्वीज़ करूँगी, जो कि 1 टीस्पून होता है, ये मेरे पास स्क्वीज़ करने का है, अगर आपके पास नहीं है तो हाथ से भी कर सकते हैं, मैं इससे करूँगी, इससे 1 स्पून निकल आता है मेरा आराम से जूस। ये आप देखें ये चीज़ रेडी हो गई, चलें जी हमारा ये आज का भुर्ता जो है रेडी हो गया। आप इसको ट्राई कीजिएगा कम से कम एक बार, अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे जो है इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जो है फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।